हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, जो कि बिहार के किसी भी जगह आप बाहर जाओगे ना सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए हर जगह ठेले पे आपको मिल जाता है ये। और यहाँ पे ना पटना में कचौड़ी के साथ भी ये वाली सब्जी देते हैं, समोसे के साथ भी देते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ सुबह सुबह खस्ता पूड़ी और ये चने आलू की सब्जी और इसके साथ दो जलेबी हो जाए तो मतलब बहुत ही मज़ा ही आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर पे भी बना रही थी आज, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चना, जिसको रात भर मैंने भिगो लिया था और अच्छे से धो लिया है। और उसके बाद एक कुकर लेंगे, इसमें डाल देते हैं हम अपने चने को और साथ ही साथ में डाल देते हो इसमें आलू, चार पांच आलू मैंने छील के और उसके टुकड़े कर लिए थे और उसको हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ताकि चने के जो है ना अंदर तक नमक चला जाए। और उसके बाद पानी डाल के हम इसको 3-4 सीटी दिला देंगे, जिससे कि चना और आलू जो है अच्छे से गल जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लिया है। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डाल दिया है तेल। तेल आप अपने हिसाब से डालिए, हलवाई स्टाइल सब्जी है तो थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है इसमें। उसके बाद मैंने डाल दिया है पंचफोड़ना, जिसमें अजवाइन, मेथी, कलौंजी, सौंफ और जीरा रहता है, सरसों के दाने। बहुत ही इससे ना बहुत ही टेस्टी सब्जी लगता है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दिया है। हरी मिर्ची जब थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, और तेज़पत्ता डाल के थोड़ा सा इसको चटकने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज, प्याज डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे चला चला के, ये देखिए। और इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना है ना कम ही डालना है, मतलब इतना डालना है ना कि जैसे थोड़ा इसमें ना प्याज खड़ा खड़ा जैसा रहता है जो हलवाई लोग बनाते हैं ठेले पे उनका, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्याज को हम थोड़ा ढक ढक के और अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का कूटा हुआ, मतलब पेस्ट बना के ना इसको कूट के डाला मैंने। और फिर उसी के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक भी डाल देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह है वो गल जाए नमक से। और नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि चने और आलू में भी मैंने नमक डाला है। और इसमें जो है ना वो जो वाला नमक आता है ना, काला नमक जिसको बोलते हैं, जो भुजा वगैरह के साथ खाते हैं, सलाद में डाल कर खाते हैं, वो वाला नमक भी इसमें डलेगा। उससे बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इसका, क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद जाके वहाँ पे जब वो बना रहे थे मैंने खड़े होकर वहाँ देखा और फिर आके आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ अगले दिन बना के। और यहाँ पर मैंने डाल दिया लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, धनिया, काली मिर्च और किचन क्वीन मसाला जो रहता है ना वो, और सब्जी मसाला मार्केट वाला, वो सारी चीज़ें मिक्स करके मैं रखी रहती हूँ और उसको मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा नाट डाल दिया है मैंने यहाँ पे वो काला वाला नमक, चाट मसाला, और इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं, जिसका मतलब तेल नहीं छोड़ दे हमारे मसाले तब तक हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं और अच्छे से भून जाए। इसको ढक ढक के और खोल खोल के हम अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल, जो कि जब मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी खुशबू देने लगे उतना हम भून लेंगे। और फिर भून के हम इसमें चने और जो आलू है उसको डालेंगे, उसको डाल के भी थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। ये देखिए इसको कितना सुंदर से साइड साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है तो हम डाल देते हैं अपने चने, ये देखिए उबले हुए चने जो तो हमने पानी उबाला था ना उसको। उसके बाद आलू को थोड़ा सा मैश करके मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि हम चलाएंगे ना तो और ज़्यादा ये मैश हो जाएगा सब्जी में, क्योंकि आलू बहुत अच्छे से गल गया है। और इसको ना हम अच्छे से भून लेते हैं, ये देखिए हम इसको चला चला के अच्छे से भुनेंगे। पता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना बिहार में बहुत ही मन से लोग खाना खिलाते हैं, चाहे वो होटल वाले हो, ठेले वाले हो, चाहे कोई भी हो, बहुत ही अच्छे से खाना खिलाता है। तो उन लोग के जो सब्ज़ी होती है ना, सब्ज़ी में जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ना सुबह 6-7 बजे या आप कहीं भी जाओ, बाहर निकलो नाश्ता करने के लिए, आपको एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी, जैसे पूड़ी होता है ना खस्ता वाली पूड़ी,
वो गर्मा गर्म पूड़ी या फिर कचौड़ी और उसके साथ ही आलू चने की सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म और जलेबी, मतलब कुरकुरा सा जलेबी गर्मा गर्म सा एकदम बहुत ही टेस्टी बना के देते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारा चना जो है सब्ज़ी जो भुन गया है बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिया ग्रेवी के लिए पानी, और ग्रेवी के लिए पानी डाल के ढक के हम इसे थोड़ा सा खौला लेंगे ताकि जो भी मसाले हैं वो सारे अच्छे से मिल जाए और स्वाद सबका एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से खौल गया है, इसको मैंने थोड़ा देर के बाद देखा खौल रहा था ये, और बिल्कुल वैसा ही सब्ज़ी बनाए। देखिए प्याज भी थोड़ा खड़ा खड़ा है और मसाले भी बहुत अच्छे से इसमें मिले हुए हैं और बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल उन्हीं लोगों के जैसा ये सब्ज़ी बन के रेडी हुआ है। और हमने बहुत अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से भी बनाया है, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने डाल दिया गरम मसाला का पाउडर जो मैं घर पे ही कूट के रखती हूँ उसको, और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद थोड़ा देर और खोला लेंगे ढक के ताकि जो गरम मसाले का भी फ्लेवर है वो सारी सब्जियों में अंदर तक चला जाए। और ये देखिए ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी डालने के बाद हम ढक के और बंद कर देंगे। ये देखिए बंद भी कर दिया मैंने, हो गया है, क्योंकि कस्तूरी मेथी से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और हलवाई लोग तो मतलब ऐसे बनाते हैं ना कि उनकी सब्ज़ी अच्छा दिखे और खुशबू भी अच्छी आए, तभी तो लोग उनके पास खाएंगे और टेस्ट भी अच्छा ही हो। तो ये सब्ज़ी हमारी हो गई है, इसको मैंने रख दिया है। अब मैं फाइनल तड़का इसमें दूंगी, जिसके लिए मैंने घी लिया है। वो लोग तो रिफाइन ऑयल डालते हैं बट मैं घी डाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, 2-3 लहसुन की कली डाल दी है मैंने काट के, और उसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अपने जो सब्ज़ी है उसमें डाल के इसको ढक दूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि मतलब बहुत ही जो फाइनल तड़का है ना, ये तो सुंदर दिखाता भी है सब्ज़ी को, और घी का जो स्वाद आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो इसको अब हम ढक देते हैं और ढक के रख देते हैं, और चलते हैं हम अपनी पूड़ी बनाने के लिए। आप देख सकते हो ना सब्ज़ी हमारी कितनी सुंदर दिख रही है, बिल्कुल होटलों वाली दिख रही है ना, जो ढाबे वाले जो रखते हैं वहाँ पे, वैसा बिल्कुल दिख रहा है ना। और टेस्ट भी यकीन मानिए बहुत ही यमी लगेगा जैसे मैंने बनाया है, और जो जो चीज़ें डाली है आप डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। खस्ता पूड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है आटा, उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कलौंजी ही और अजवाइन डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें नमक, क्योंकि सब्ज़ी में भी हमारी नमक है, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी तेल, जो भी रिफाइन ऑयल होता है वो ले लीजिए या फिर घी ले लीजिए जो आपको मन हो, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके जैसे डो तैयार करते हैं ना पूड़ी के लिए, वैसे डो तैयार करेंगे, मतलब सख्त सा डो तैयार करेंगे, ये नहीं कि आप सॉफ्ट सा डो तैयार कर लो, वैसा नहीं, सख्त डो तैयार करेंगे। और ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया था, थोड़ा देर मैंने उसको रख दिया था सेट होने के लिए, और उसके बाद अब हम इसका पूड़ी बेल लेंगे। और फाइनली आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिसे वो पूड़ी होता है ना वो पतला पतला नहीं बेलना है, ठीक है, मोटा मोटा ही बेलना है। ऐसे जैसे ये पतला हो गया ना ऐसे नहीं बेलना है, पूड़ी हल्का सा मोटा हमें बेलना है, क्योंकि ये जो पूड़ी है ना ये जल्दी फूलेगा नहीं, मतलब फूलेगा भी ना तो खस्ता नहीं होगा, और जो मोटा वाला पूड़ी होता है ना वो फूलेगा भी और बहुत ही खस्ता होएगा। ये देखिए इतना मोटा हमें पूड़ियों को बेलना है। और हलवाई लोगों का पूड़ी तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है, तो मैंने भी वैसे ही कोशिश किया है बनाने के लिए, और बिल्कुल ही वो जो होता है ना ठेले वाले होटलों वाले जो नाश्ता होता है सुबह सुबह वाला, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। और ये देखिए मैं बहुत सारी यहाँ पे पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, और फिर चलती हूँ फ्राई करने के लिए। और मैं फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ कैसे फ्राई भी करने का इसका एक ट्रिक होता है। तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, ऐसा गर्म होने देंगे कि पूड़ी डाले तो थोड़ा मतलब बबल्स आने लगे वैसा, और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और फिर हम पूड़ियों को तलेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा पूड़ी जल्दी से लाल नहीं होगा और अच्छे से खस्ता होगा, नहीं तो क्या होगा ना कि हम बहुत ज़्यादा तेल गर्म है हाई फ्लेम है तो उसमें हम डाल देंगे अगर पूड़ी को, तो वो लाल तो होगा भी हो जाएगा लेकिन खस्ता नहीं होगा। और ये देखिए जो मोटी पूड़ी थी ना वो कितने अच्छे से फूल गया है, और ये जो मैंने डाला ना वो पतली वाली पूड़ी थी जो मैंने पहले बेला था, और ये देखिएगा बिल्कुल अच्छे से फूलेगा नहीं ये, और उतना खस्ता नहीं होगा जितना होना चाहिए। देखिए फूला भी नहीं, साइड से फूट जाएगा और फूलेगा भी नहीं अच्छे से, खस्ता तो ये भी होएगा, अच्छा तो ये भी लगेगा बट उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। और ये दोनों पूड़ी देखिए कितना सुंदर से फूल गया है ये, और मैंने सारी पूड़ियों को तल लिया है, और ये देखिए कितना सुंदर कितना खस्ता सा ये पूड़ी बन के रेडी हुआ है।
बिल्कुल हलवाइयों के जैसे। और सब्जी तो हमारी आपको दिख ही रही है, कितना यम्मी दिख रहा है ये, और जितना यम्मी दिख रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर से अपने घर पे ट्राई करिएगा कि हमारे बिहार का जो नाश्ता है आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा नाश्ता है, क्योंकि चना है तो इसमें हाई प्रोटीन भी है, आलू भी है, और साथ ही साथ आटा भी जा रहा है हमारे अंदर, पूरी भी है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। अभी तो मेरे पास जलेबी नहीं है, बट पूरी और सब्जी से ही हम काम चलाते हैं, क्योंकि मैंने जलेबी बनाया नहीं था, उसके लिए रात में ही तैयारी करना पड़ता है। और ये देखिए, हम इसमें रखते हैं पूरी और इसको देते हैं लोग खाने के लिए घर पे सबको, क्योंकि सुबह का टाइम है और सबको नाश्ता करना है। और बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा नाश्ता भी बन के रेडी हुआ है। तो आपका आपको ना ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके। और आप भी देखिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाइएगा, शेयर करिएगा लोगों से। और बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी है, आपको जैसा भी जो भी इसमें कमी लग रही है, कुछ भी जो ये लग रहा है, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।